दोस्तों स्वागत है आप सभी का फार्मर लाइफ पीके के एक न्यू वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे हम अपने पशु को, अगर आपका ही पशु जो है समय से हीट पर नहीं आ रहा है या बहुत टाइम हो गया है गाभिन नहीं हो रहा है या गाभिन हो जाता है 2-3 महीने का जो है गाप जो है उसने फेंक दिया है, तो इन सभी समस्याओं का जो है आज आपको मैं हल बताऊँगा कैसे आप अपने पशु को समय से हीट पर भी ला पाएंगे और कंसीव भी करवा पाएंगे और दूध की जो गाय को जो दूध देना बंद कर दे अगर समस्या है तो इसको भी आप समय से हल कर पाएंगे। आपका पशु जो है दूध देते देते ही दोबारा गाभिन भी हो जाएगा और दोबारा बच्चे को भी जन्म दे देगा इस नुस्खे से। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ कि हमारे लिए इस नुस्खे को करना कैसे है। इस उपाय को करने के लिए हमें जिस चीज़ की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी वो है लहसुन। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें लहसुन की 8 से 10 जो है यह इसी प्रकार की कलियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आप इसको छील कर भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप सीधा आपका पशु अगर खा लेता है तो आप सीधे भी दे सकते हैं, नहीं तो छील कर इसको अपने पशु को देना है। और दूसरी जो चीज़ है वो है गुड़। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी 100 से 150 ग्राम। आप देख सकते हैं 100 से 150 ग्राम हमें गुड़ लेना है। दूसरी जो चीज़ है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी वो है सरसों का ऑयल। आप देख सकते हैं हमें सरसों के ऑयल की 50 से 100 ml सरसों के ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी। 50 से 100 ml सरसों का ऑयल लेना है। चौथी जो चीज़ है वो है हल्दी पाउडर। आप देख सकते हैं ये हल्दी पाउडर, आपको जो है हल्दी पाउडर 2 चम्मच या 10 से 20 ग्राम जो है हमें अपने नुस्खे के लिए हल्दी पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें इन सब चीज़ों को ले लेने के बाद अब हमें करना क्या है, एक आप रोटी में एक या दो रोटी में जो हमने ऑयल लिया है 50 से 100 ml इसको हमारे लिए ले लेना है। आप चाहें तो इसको फीड में मिला करके भी दे सकते हैं। हमने रोटी का इस्तेमाल किया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा पशु में ये समस्या नहीं है, हमें अपने पशु को आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। हमें अपने पशु को देने के लिए इसमें सरसों का ऑयल रोटी पर रख लेना है। फिर इसमें जो हमने गुड़ और लहसुन और हल्दी जो चारों चीज़ें ली हुई हैं उसको ऐसे रख लेना है और इसको मोल लेना है ताकि ये गिरे ना। इस प्रकार रोटी में रख कर हमें अपने पशु को खिला देना है। जो हमारा पशु जो है हीट पर नहीं आ रहा है या इसकी इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है, उसको खिला देना है। आप खिलाने के बाद देखेंगे या आपको ये नुस्खा जो है 8 से 10 दिन अपने पशु को देना है और 8 से 10 दिन में ही आप देखेंगे कि आपका पशु जो हीट पर नहीं आ रहा था या कंसीव नहीं कर रहा था वो हीट पर भी आ जाएगा और कंसीव भी कर जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।